वो श्री राम को छोड़कर आसाराम और रामपाल जैसे लोगों को अपना लिया उन्होंने। ब्राह्मण का पुत्र भी हो, इसमें ऐसा लिखा, जो ब्राह्मण का पुत्र भी हो और वो अज्ञानी हो तो उसे शूद्र माना जाएगा। क्या है कि हिंदू कभी विश्वगुरु होता था, विश्वगुरु माना जाता था, लेकिन वो अंतिम सांस गिन रहा है, क्योंकि तो सनातन को यहाँ पे पूर्ण बल दिया गया है। पांच कानून मांग रहे हैं, वो पांच कानून क्या मांग रहे हैं? कर लिया बहुत, मना ली बहुत, कुछ कर लिया, अपनी वास्तविकता को पहचानो और वास्तविकता पर काम करो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करो। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो बच्चों को ज्ञान क्या दोगे? ऐसी चीज़ों की आप शिक्षा ही नहीं लोगे, तुमने खुद ही नहीं पढ़ा तो किसी को क्या बताओगे? अपना इतिहास खुद जान लो आज, नहीं तो आगे आपके लिए काफी समस्या होने। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीआई ब्लॉग इंडिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं दाऊसी मेले में कुछ एक ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जैसा कि अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे कैंप में, यानी कि आप मंदिर की तरफ जो जाते हैं, मैं अभी आपको पहले दिखा दूँ कि जिस जगह हम मौजूद हैं वो जगह कौन सी है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो मंदिर की ओर जाते हैं तो वहीं से साइड में थोड़ा सा रास्ता है, और यदि कैंप का ऊपर का नाम देखें तो ओम महर्षि दयानंद जो द्वार है इसके अंदर कुछ बहुत ही जानकारी भरी बातें हैं जिनका आप उपयोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी है। अभी यहाँ पर हम घुसे अंदर, पता लगाया, हमने देखा कि बहुत ही जानकारी भरी चीज़ है, तो ये चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, इसी वजह से हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। और आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आपको दिखाएं कि यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर एल के सिंह जी, जो कि आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है, बहुत ही शानदार कैंप है। उन्होंने कहा कि इसको वीडियो में आना चाहिए, यानी कि पता लोगों को, सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, तो वही जानकारी देने के लिए हम आए हैं। और आज चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और इन सभी पोस्टरों को देखिए, देख पा रहे होंगे तो इसमें ना बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, और अधिकतर मैंने देखा है कि ज्ञान की बातें लोगों को सुनना बहुत ही पसंद नहीं होता है, क्योंकि जब मनोरंजन की बात आती है तो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, यानी कि हर किसी को मनोरंजन चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ के मामले में, तो यहाँ बहुत सारी अलग अलग ऐसी ऐसी बातें हैं काफ़ी जो कि बेहद लाइफ में काम आती हैं, तो उन सभी बातों को हम जानेंगे डॉक्टर एल के सिंह चौधरी जी से। तो फिलहाल अभी डॉक्टर एल के सिंह चौधरी से मिल रहे हैं अभी, और जरा उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। देखो यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी हुई है तो उसमें क्या है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ों को बताया गया है, कि यहाँ पे जो पाखंड है उनसे बचना चाहिए, प्रेरणा की बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवित पिता की सम्मान करना चाहिए, जीवित पिता का सम्मान करना चाहिए, और उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, पाखंडवाद से। देखो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आप देख रहे होंगे, अंधविश्वास को त्यागो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पोस्टर लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है अंधविश्वास को त्यागो और जागो। तो इसमें देखो बहुत सारी अच्छी बातें दी गई हैं। आपने ये देखा होगा, पहले एक बार कैमरे से दिखा दो, इसमें कोई पब्लिक नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ लोगों को आजकल बहुत कम पसंद आती है। ये बात देख पा रहे हैं, कोई भी पब्लिक नहीं है। हाँ, एक वृद्ध महाजन है बस, उनके सेवा कोई नहीं है। अच्छी चीज़ें कोई पढ़ना कोई पसंद नहीं करता, अच्छी चीज़ की संगति कोई करना नहीं चाहता। यहाँ में जो मान लीजिए इसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है, जो एक विज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, एक तर्क संगत है, और जो उन चीज़ों की बिल्कुल बुराई करता है, अंधविश्वास वगैरह की बिल्कुल बुराई करता है। अंधविश्वास को हटाने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने यहाँ पर वो लगाए हुए हैं पोस्टर, और उनमें अच्छी बातें लिखी हैं। तो अच्छी बातें क्या लिखी है, देखो यहाँ अंधविश्वास को त्यागो और जागो में लिखा है, ईश्वर के नाम पर पत्थरों को पूजा जाता है, और दूसरे में लिखा है विद्वानों के स्थान पर मुर्दों की कब्रों को पूजा जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और हर धर्म के लिए कुछ न कुछ लिखा हुआ है। यानी कि इसमें अगर यहाँ से जो ज्ञान लिया जाए, बहुत बढ़िया ज्ञान है, शब्दों में जो छिपा है, और यहाँ बहुत महान लोगों की पूरी जीवन का एक निचोड़ है, उनके अनुभवों का सार है यहाँ पे, लेकिन इनको शायद ही बहुत कम लोग देखते हैं, इन चीज़ों को देखने ही ना पसंद करते हैं, ऐसे मानिए आप। और डॉक्टर साहब आपके हिसाब से मतलब कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है, यानी कि जो चीज़ बहुत आवश्यक है, जरा उनके बारे में बताइए और उनके बारे में थोड़ा विशेषण कर दीजिए आप अपने शब्दों में, ठीक है सर? ठीक है। देखो आपने बहुत सारी बात अच्छी कही कि कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं जरूरी हैं। अगर यहाँ कोई प्रदर्शनी लगी है, कोई अच्छी चीज़ है जहाँ भी लगी है, तो उससे क्या है कि आपको ऐसी जगह जाना चाहिए, ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो आप जब किसी की चीज़, किसी भी तथ्यों को आप पढ़ते हो, तो उसका कम से कम जीवन भर का सार आपको आधा घंटे में, 15 मिनट में, आपको पूरी जीवन भर की उसकी कमाई मिल जाती है, उसके विचार मिल जाते हैं। तो आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छाई बहुत है दुनिया में, लेकिन उसे अपनाए, उसका अध्ययन करें। तो थोड़ा बहुत समय ऐसी चीज़ों को देना चाहिए, तो इससे क्या कि हम अंधविश्वास से दूर होंगे, विज्ञान की ओर बढ़ेंगे, और हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसका रिव्यू दिखाइए बहुत सारी चीज़ों को। देखो यहाँ पर एक मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ लगी, चूँकि
भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे जाति प्रथा, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पे काफ़ी जोर दिया जाता है, उसी के हिसाब से जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेद भी किया जाता है लोगों के साथ। लेकिन जब व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं, जब व्यक्ति समझेगा ही नहीं, जो धर्मगुरुओं ने कह दिया उन्हीं की बातों को फॉलो करेगा, तो आदमी अंधविश्वास में रहेगा। विद्वानों को पढ़ना चाहिए, जो चीज़ें लिखी हैं तथ्यों को जानना चाहिए। मैं बताता हूँ यहाँ पे लिखा है, देखो मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द, शायद हमारे कैमरामैन दिखा पा रहे हो, जाति नहीं वर्ण व्यवस्था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख के पढ़ पाते, लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है पढ़ने के बाद, उसमें ये लिखा है, देखो कर्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, और कर्म से श्रेष्ठ बनता है, और वो चाहे और शिक्षित बालक योग्यता के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है, और जो ब्राह्मण का पुत्र भी हो, इसमें ऐसा लिखा है, जो ब्राह्मण का पुत्र भी हो और वो अज्ञानी हो तो उसे शूद्र माना जाएगा, न कि जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर माना जाएगा। शूद्र इसमें किसको कहा गया है, जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है, गैर पढ़े हुए किसी की सेवा करता है तो उसे शूद्र माना जाता है, और जो पढ़ लिख के विद्वान का काम करता है, किसी को ज्ञान देने का काम करता है, उसे ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। तो अगर आप ब्राह्मण किसी जाति विशेष को मानते हैं तो वो आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, अगर देखो सदाचार ही लिखा हुआ है, ब्राह्मण का पुत्र शूद्र माना जाएगा, अगर उसमें देखो उसके अंदर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, और वो सदाचार से हीन है, यानी उसमें कोई सदाचार, अच्छे विचार, हाव भाव नहीं है, सामाजिक उसमें तत्व नहीं है, तो उसे शूद्र माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे विचार यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वेदों का ज्ञान लिखा हुआ है, कैसे हर धर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो अब इसका कर लेते हैं, देखो यहाँ ओएम के नाम से दिया है, तो ये इसमें दूसरे पॉइंट पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है किसी महाजन ने, हिंदू को देखो विश्व गुरु से आज अंतिम सांस गिन रहा है, यानी कि इसमें यह कहने का तात्पर्य इसका है कि हिंदू कभी विश्व गुरु होता था, विश्व गुरु माना जाता था, लेकिन वो अंतिम सांस गिन रहा है। क्यों गिन रहा है, उसका कारण भी यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, उन्होंने अपना तर्क दिया है। उन्होंने क्या तर्क दिया है, वो श्री राम को छोड़कर आसाराम और रामपाल जैसे लोगों को अपना लिया, उन्होंने समझ रहे हो, भगवान श्री राम को छोड़ के आसाराम और उनको अपना लिया है, श्री कृष्ण को छोड़कर साईं बाबा और चांद बा वो मियाँ जैसे लोगों को अपना लिया है, गुरु गोविंद सिंह को छोड़कर राम रहीम को ही सच्चा सौदा मान लिया उन्होंने, और हनुमान का ब्रह्मचर्य छोड़कर इस तरह से संभोग भोग विलास जैसी चीज़ों को, और सारे क्रांतिकारियों को छोड़कर फिल्मी सितारों को ही अपना उसने वो मान लिया है, हीरो असली हीरो मान लिया है, तो और साकार को छोड़कर शराब मांस जैसी चीज़ों को हिंदू ने अपना लिया है, और विज्ञान और धर्म की शिक्षा देने वाले वेदों को छोड़कर उसने जादू टोना और चमत्कार तंत्र को अपना लिया है। तो इस तरीके से इन महाशय ने बताया है कि हिंदू जो एक समय पर वो होता था धर्मगुरु, वो विश्वगुरु कहलाता था, तो आज विश्वगुरु से हटकर अंतिम चरण अंतिम पायदान पे आ गया है। तो उन्होंने कहा है कि अब भी समझ जाओ, इन चीज़ों को छोड़ दो तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जानकारी इसमें दी हुई है, और यहाँ पर देखो सीधा सीधा दिया है, या गुटखा पान मसाला जो भी इतका खाते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी दिया है, पूरा पूरा दिया है कि कैसे कैसे उनके साथ ये होती है, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अभी 5-10 रुपये की गोल्ड पर गुटखा खरीदेगा खाएगा, आज की दुनिया पर इन फोटो का कोई वो नहीं है, जो परेशान होता है उसी पर केवल फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर लिखा है भारत रत्न, जो भी भारत के रत्न हुए, वास्तविक हुए, जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है, उनके लिए भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो जो धर्म के, यहाँ धर्म के लिए बलिदान हुए, देश के लिए बलिदान हुए, वो महापुरुष हैं, देश के लिए बलिदान दिया है जिन्होंने, ये सारी चीज़ें हैं, धर्म शिक्षा बलिदान, गोविंद सिंह और बटुकेश्वर जो भी है, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, शिक्षित पीढ़ी है, ऐसे जो यहाँ वो लगे हुए हैं, इस तरह की जो प्रदर्शनी लगी है, उन्हें जाके विजिट करना चाहिए, थोड़ी देर आधा एक घंटा उन्हें पढ़ना चाहिए। लिखा हुआ है आगे, भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, जरा कृष्ण जी का मेला है, दाऊ जी का मेला, कृष्ण जी की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जरा उनके ऊपर चर्चा की जाए। देखो भगवान यहाँ पे लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, और देश हित में 5 कानून मांग रहे, देख रहे हो, भगवान श्री कृष्ण तो 5 गांव मांगे थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। वो 5 कानून क्या मांग रहे हैं, समान शिक्षा होनी चाहिए,
देखो भगवान श्री कृष्ण ने पांच गांव मांगे होंगे, लेकिन अब पांच गांव की जरूरत नहीं है। अब जरूरत किन चीजों की? देश हित में पांच कानून ऐसे हों जो समानता का अधिकार दे व्यक्ति को। समान शिक्षा होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई प्राइमरी में पढ़ रहा है, कोई उसमें माउंटेन सीरीज पढ़ रहा है, कोई हायर लेवल में पढ़ रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और वो धर्म जो धर्मांतरण है उन पर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे धर्मांतरण करते हैं इस धर्म में से उस धर्म में जा रहे हैं, तो इसमें आदमी का नियंत्रण होना चाहिए। घुसपैठ देश में नहीं होनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, यानी कि कम से कम परिवार नियोजन की जैसी चीज़ों को उन्हें अपनाना चाहिए आदमी को। तो इसमें भारी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, पांच गांव देने की ज़रूरत नहीं है। देश को केवल पांच चीज़ें दे दीजिए, देश विश्वगुरु का जो सपना देख रहा है ना, देश विश्वगुरु बन जाएगा। और बताओ वही है, पांच कानून नहीं आए तो पूरी दुनिया और भारत के नौ राज्यों की तरह सनातन पूरी तरह से मिट जाएगा। यह हिंदू से संबंधित वो मामला है, तो सनातन को यहाँ पे पूर्ण बल दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये धर्म को किसी को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये पांच चीज़ें तो होनी चाहिए सभी के लिए। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण पर किसी का विशेष जोर ना होना चाहिए। कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय पर जोर लगा के और उसे धर्मांतरण कराया कि इस धर्म से तुम इस धर्म में परिवर्तन हो जाओ, उसकी अपनी स्वेच्छा है, किसी भी धर्म को अपनाए, किसी में भी रहे, लेकिन समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता और बाहर देखो देश की सुरक्षा को लेकर घुसपैठ पर नियंत्रण, हमारी सीमा सुरक्षा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें, बहुत पूरा ज्ञान का विस्तृत भंडार है इसमें। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर एरिक सिंह चौधरी जी, उन्होंने काफ़ी समय दिया हमको और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और लेकिन उन्होंने भी बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें हमें। और आप भी यहाँ पर मेले में आकर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अभी जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर कोई नहीं आया था, केवल एक वृद्ध महापुरुष थे, वो केवल यहीं पर आए हुए थे। लेकिन जब हम यहाँ पर एंट्री ले उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लोग आने लगे और उनसे हमने बोला कि इसको समझिए, उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है, तो वो भी पढ़ने के लिए आ चुके हैं। कुछ समय निकाल के ऐसे जो पोस्टर जो दिख जाते हैं कई कैंप वैम्प में, तो इन्हें सामान्य ना समझें, ऐसे नहीं कि बेकारी लगा दिया, इतनी सारी ज़मीन बिगाड़ी गई है, ऐसे घेरे रखा है, तो कम से कम पढ़ लें। और जो वास्तविक लगी हुई है कि बहुत सारे महापुरुषों का इसमें ज्ञान है, तो पढ़ लेना चाहिए, ऐसी चीज़ों को जरूर विजिट करना चाहिए। रंगरेलियाँ बहुत मना ली, बहुत कुछ कर लिया, अपनी वास्तविकता को पहचानो और वास्तविकता पर काम करो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करो। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो बच्चों को ज्ञान क्या दोगे? ऐसी चीज़ों की आप शिक्षा ही नहीं लोगे, तुमने खुद ही नहीं पढ़ा तो किसी को क्या बताओगे? अपना इतिहास खुद जान लो आज, नहीं तो आगे आपके लिए काफ़ी समस्या होने वाली है, उसके लिए खुद ही तुम जिम्मेदार होंगे। हम जैसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जैसे लोग तो बता के बस ऐसे ही, हमारा तो समझ लो कि बताने का काम है, जागरूक खुद ही होना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर ना कई सारे कैंप है, यानी कि एक कैंप तो वो सामने वाला कैंप है, उसी के जस्ट सामने देखिए एक छोटा सा कैंप ये है, और उसी के जस्ट पास में ही ये वाला कैंप है। और ये सभी जो कैंप है वो रास्ते में जहाँ हम जाते हैं मंदिर की ओर जाते हैं, मंदिर की ओर जो साइड में जो पड़ता है यहाँ पर देखिए चित्र प्रदर्शनी, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए चित्रों के माध्यम से यहाँ भी है, तो यहाँ भी एक इस प्रकार का कैंप है। और बहुत सारी जगह में ये बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं जिससे आप नॉलेज ले। और अभी देखिए यहाँ पे ना हाथस में, यानी कि इसमें भगवान बीमार, इलाज जारी, वैद्य कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ का इलाज। देख पा रहे हैं ये पोस्टर है, ये दो पोस्टर हैं और एक ये वाला है कांवड़ यात्रा के ऊपर। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर आके एक बार जरूर विजिट कीजिए। जितने भी लोग हैं, जितने वीडियो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के एक बार शिविर कैंप में जाकर अपना, अगर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, वो लोग मुझे उम्मीद है कि वो लोग अवश्य ही यहाँ पर आएंगे और इस प्रकार के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इनको रीड करेंगे अच्छे से। और इस पर आप जनों से जो भी माँ बाप है, जो भी फैमिलियर है, जिनको मौका मिल रहा है, आधा घंटा मैं तो कह रहा हूँ आधा घंटा जरूर बिताएं, आधा एक घंटा जरूर दें यहाँ पर अपने सारे कामों को छोड़ के। जी बिल्कुल, तो जो लोग भी यहाँ पर वेट करें तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार भीड़ जरूर कीजिए अंदर। इस प्रकार से जो कैंप होते हैं उन कैंपों में बहुत सारी नॉलेज होती है, जो नॉलेज आपको क्लास स्कूल में नहीं मिल पाती है, जो माँ बाप द्वारा नॉलेज नहीं मिल पाती है, वो नॉलेज इन पोस्टरों के माध्यम से आपको मिल सकती है। तो आई होप आप भी यहाँ पर विजिट करेंगे और कमेंट जरूर करना वीडियो में कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और ये इस प्रकार के कैंप कौन कौन विजिट करेगा इसमें। जब आप मेले में आएंगे तो इस प्रकार के जो कैंप को जरूर विजिट करेंगे, तो कमेंट कीजिए अभी। और मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।